दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को सीने में दर्द और इन्फेक्शन की शिकायत के बाद बुधवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया है कि दिलीप कुमार की सेहत में अब सुधार हो रहा है, लेकिन इलाज का असर काफी धीमा है। फिलहाल दिलीप कुमार उम्र से संबंधित कुछ बीमारियों से जूझ रहे हैं। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने उनकी पत्नी सायरा बानो से कहा है कि अगले 72 घंटों तक दिलीप कुमार को सख्त निगरानी में आईसीयू में रखा जाएगा। उनके वाइटल पैरामीटर्स स्थिर हैं, लेकिन उन्हें 3 दिन और अस्पताल में रहना होगा। डॉक्टर्स के अनुसार दिलीप कुमार नेजल फीर पर हैं। उनको जो खाना दिया जा रहा था वह बड़ी मात्रा में उनके फेफड़ों में जमा होने लगा था। डॉक्टर्स का मानना है कि उन्हें मुंह से किसी तरह का खाना नहीं दिया जाना चाहिए। बता दें कि बुधवार शाम दिलीप कुमार के हैंडल से ट्वीट करके उनकी खराब सेहत की जानकारी दी गई थी।